पंजाब नेशनल बैंक का KYC फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं? फॉर्म भर के जब आप इसे बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं तो इसके साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर इसे जमा करेंगे जहां से आपका KYC कंप्लीट होगा? अगर आपके पास ये फॉर्म उपलब्ध नहीं होता है तो आप किस प्रकार से एक नया फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला स्टेप में आपको यहाँ पर भरना है BO में, यानी आप जो अकाउंट खुलवाए हैं उस मतलब बैंक का ब्रांच कहाँ है, उस ब्रांच का जगह का नाम आपको भरना है और जिस डेट को ये फॉर्म आप जमा करने के लिए जा रहे हैं वो डेट आप ऊपर में यहाँ पर भरेंगे। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं CUST ID, यानी कस्टमर ID जो आपके बैंक अकाउंट पे दिख जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज में भी देखते हैं कस्टमर आईडी आपको किस तरह से लिखा रहता है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं मिलता है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे, जो भी बैंक मैनेजर होंगे वो भर लेंगे। उसके अकाउंट नंबर आपको सही से भरना है ध्यानपूर्वक। मैंने यहाँ से डेमो के लिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से भर दिया, बट आपका जो सही है वो आप अपने अनुसार सही सही भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट यानी जो भी खाताधारी हैं उनका चार्ज का इस तरह से सिग्नेचर करवा लेना है। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उनका आप यहाँ से थंब यानी अंगूठा भी ले सकते हैं इन चारों जगह। उसको तो यहाँ से नीचे आते हैं तो एप्लीकेंट का खाता पर आधार कार्ड पर क्या स्पेलिंग नाम है वही स्पेलिंग नाम आप यहाँ पर भरेंगे। उस पर जेंडर आपको भरना है, मेल फीमेल जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आधार कार्ड पे वो भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पूछते हैं कि अगर इनके पिताजी का अगर आप नाम लिखें पिताजी पर टिक करेंगे और पिताजी का नाम लिखेंगे, अगर ये गर्ल हैं अगर तो इनके हस्बैंड का नाम लिख रहे हैं तो हस्बैंड पर टिक करेंगे और हस्बैंड का यहाँ पर नाम लिखेंगे। फिर से उनके माताजी यानी जो भी एप्लीकेंट है उनके माताजी का नाम आपको लिखना है। आपका एड्रेस क्या, जो भी एप्लीकेंट है उनका एड्रेस आपको भरना है। पिन नंबर क्या है वो भरेंगे। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर दोनों एड्रेस अगर सेम रहता है तो आप DO लिख सकते हैं, अगर नहीं सेम रहता तो आप अलग अलग एड्रेस भर सकते हैं। मैंने DO नहीं लिखा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये भी एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर कि डू यू विश यू यूज एड्रेस ऑन आधार कार्ड, दोस्तों आपके जो आधार पर एड्रेस है वही एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे तो आप यस कर देंगे। अगर अलग एड्रेस भरते हैं आधार कार्ड से तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, यानी एन का आप संकेत दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपके पैन कार्ड का नंबर क्या है, जो आपके पैन कार्ड पे रहेगा वह पैन नंबर आप सही से ही भरेंगे। मैंने डेमो के लिए यहाँ से भरा है ABCD 1, 2, 3, तो आपका जो पैन नंबर होगा वही आप भरेंगे। उसके बाद आधार नंबर, जो भी आपका 12 अंकों का आधार कार्ड का नंबर है वो आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आप यहाँ प्रश्न है कि एनी अदर ID एड्रेस प्रूफ, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो आप इसके अलावा आप यहाँ प्रश्न है कि आपको ऑप्शन मिलते हैं पासपोर्ट, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, मनरेगा कार्ड, तो अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो इसमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, एक पासपोर्ट या DL। तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे इसमें और यहाँ पर आप ले लेंगे पासपोर्ट। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर आपको ध्यानपूर्वक भरना है, गलती बिल्कुल नहीं करना। ईमेल आईडी है तो भरेंगे, अगर नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। वहाँ से नीचे आएंगे तो आप यहाँ पूछते हैं कि प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, यानी जो भी आपका पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, अगर फार्मर है तो फार्मर भरेंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भरेंगे, वो अपने अनुसार भरेंगे। आपका टोटल इनकम क्या है यानी 90,000, 95,000, तो आप अपने अनुसार यहाँ से भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछते हैं कि टोटल एनुअल टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस जो करते हैं यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन भरते हैं तो अपने मतलब पिताजी का बिजनेस का टर्नओवर क्या रहने वाला है वो आप भरेंगे, वरना इसे आप खाली छोड़ देंगे। अगर आप एक फार्मर हैं तो यहाँ पर आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दें तो आधार कार्ड यहाँ पर लिख देंगे। ID प्रूफ में आप पैन कार्ड दें तो पैन कार्ड आपको लिख देना। उसके बाद आप यहाँ पर इसने कि इशू इंटरनेट बैंकिंग अगर करवाना चाहते हैं तो सही करेंगे, मोबाइल बैंकिंग करवाना चाहते हैं तो सही करेंगे, अन्यथा इसे आप छोड़ देंगे। नीचे आएंगे तो जो भी एप्लीकेंट हैं उनका सिग्नेचर आपको करवाना है इस तरह से, जिस तरह से आपने ऊपर में किया सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको वही डेट आपको भरना है जो आपने ऊपर में भरा है।
तो इस तरह से आप केवाईसी फॉर्म को कंप्लीट भर लेंगे। भरने के बाद आप एक बार चेकआउट करेंगे ऊपर से नीचे, कहें तो आपने गलती तो नहीं फील किया। चेकआउट करने के बाद आप देख लेंगे आपने सही फील किया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती रहता है तो आप उसे सही कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके साथ आपको जैसे कि मैंने आपको बताया थे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अटैच करना, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी यहां पर आपको पिनअप इसके पीछे कर देना। अगर आप चाहते हैं वोटर कार्ड के साथ भी केवाईसी करवाना तो वोटर कार्ड भी आप पिनअप कर सकते हैं, बट ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए कंपलसरी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो दोनों को आप यहाँ पर पिनअप कीजिए, बैंक में जाइए और जो भी बैंक के मैनेजर हैं उनके पास जमा कीजिए, और जमा करने के बाद आपके 2 या 3 दिन के बाद या 1 सप्ताह के भीतर आपके केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाता है। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके मन में किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए या डायरेक्टली इंस्टा पर मैसेज कीजिए। और आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।